दिक्कत ये है, मान लीजिए सरकार बोला ड्राइवर भाग जाता है, एक्सीडेंट कर ड्राइवर भाग जाता है, अगर वो नहीं भागेगा तो पब्लिक मार देगा, पब्लिक अगर मार देगा तो ड्राइवर का जो है गारंटर कौन बनेगा? सरकार अपने ऊपर लेगा कि उसके बाल बच्चे को उसका पोषण पालन सरकार करेगा? तो इसी डर के मारे ड्राइवर भाग जाता है छोड़ करके, हैं? तो इसका गारंटी सरकार लेगा क्या? सर ये काला कानून चाहे जो भी कानून है, हम ये कहते हैं कि ये कानून सरकार हटा ले, ये कानून सरकार हटा ले, ड्राइवर के ऊपर ना सौंपे। कह रहे बढ़िया कानून है, जनता के हित कानून है, तो 10 लाख रुपया कहाँ से देगा और 10 साल जेल काटेगा तो उसके तो बाल बच्चे बिलट जाएंगे ना, बेघर हो जाएंगे, या तो 7 लाख रुपया बचेगा नहीं तो 7 लाख रुपया जुर्माना कहाँ से भरेगा? फिर इंश्योरेंस कंपनी कहाँ गया? फिर इंश्योरेंस कंपनी कहाँ गया? तानाशाही हो रही है, इंश्योरेंस कंपनी कहाँ गया? फिर इंश्योरेंस कंपनी क्या देगा? ये जो कहते हैं बाइक का, स्कूटर का, कार का, ट्रक का इंश्योरेंस करवाओ, तो इंश्योरेंस कंपनी कहाँ जाएगा? इंश्योरेंस कंपनी पैसे भरने के लिए तैयार है ना, पैसा आप ही, जब हम ही को पैसा देना तो इंश्योरेंस कंपनी कहाँ जाएगा? कह रहे जब कानून पास हुआ तो सदन में विपक्ष नहीं था, बिना विपक्ष के चर्चा के कानून पास कर। सर इनका अपना मुद्दा है, विपक्ष कुछ बोल ले रहा, हमको जो होगा वो हम करेंगे।